गाइस ये है एक्सेस 125 सीसी BA6 का मॉडल है, और जो भी ये कस्टमर ले हुए हैं या मैकेनिक भाई हैं सबको बताया है इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम है हाई RPM की, मतलब जो RPM होते हैं अपने आइडलिंग RPM होते हैं वो जाते हैं 2-2.5 हज़ार तक, वो जाते हैं नई स्कूटी में भी 3-4-5 महीने के बाद जैसे कंपनी से परचेज करी, और 4-5 महीने में 6 महीने में हाई RPM का इशू हो जाता है। तो उसको सेट कैसे करें प्रॉपर तरीके से, तो उसमें बात करेंगे। और ये RPM हाई क्यों होते हैं उसमें भी बात करेंगे पूरी डिस्कस। हाँ, मेरी एक वीडियो है हाई RPM पे, उसमें मैंने समझाया हुआ है, लेकिन उस टाइम मेरा कुछ ना अनुभव कम था, मतलब उसको तरीका वही है, लेकिन इसमें क्या है ये जो स्कूटी आई है इसका ऐसी स्कूटी मेरे पास आ चुकी है कम से कम नहीं तो 4-5 स्कूटी आई है। और इसको हम कैसे सेट करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, ये कहीं रास्ते में RPM इसके हाई हो गए थे, तो वहाँ पर कस्टमर ने किसी मैकेनिक से चेक करवाया था, उसने क्या स्क्रू एक स्क्रू छेड़ दिया, वो मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप कैसे इसको सेट करोगे, और हाँ उसको सेटिंग करने का तरीका ठीक है, तो उसके लिए कुछ टूल ज़रूरी है। अगर उसमें आपने स्क्रू छेड़ दिया जो थ्रोटल बॉडी का होता है वो स्क्रू छेड़ दिया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर सेटिंग करनी पड़ेगी कंपनी में कितने परसेंटेज थ्रोटल पोजिशन कितनी होनी चाहिए। तो इसका क्या है थ्रोटल पोजिशन क्या जो होती है पोजिशन छेड़ दी है, अब हमने पोजिशन भी सेट करनी है, और इसका जो RPM है वो 1700-1800 के RPM दिखाने हैं ठीक है। तो चलो प्रोडक्ट स्टार्ट करता हूँ मैं, बीच में आने बात आई हूँ गाइस। ये अपनी थ्रोटल बॉडी, थ्रोटल बॉडी में क्या है इसमें जो प्रॉब्लम आ रखी है, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है सबसे पहले वो बात करेंगे, हाई RPM क्यों होते हैं ठीक है, और इस स्कूटी में क्या छेड़ा हुआ है उसको कैसे सेट करें वो भी उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने क्या है ये जो आइडियल कंट्रोल वाल है इसको खोलना है, इसकी जो सेटिंग होती है ना सारी यहीं से होती है आइडियल कंट्रोल वाल से। गाइज मैकेनिक लोग क्या करते हैं जो एल की होती है इस पर लगा के, अरे ये स्क्रू होता है 8 नंबर का, इसको ढीला कर देते हैं और RPM सेट कर देते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। अब इसका छेड़ा हुआ है इसको सेटिंग करने का क्या तरीका, अगर आपने गाइज ये छेड़ दिया किसी मैकेनिक भाई ने तो इसका सेटिंग ऐसे नहीं होगी, फिर OBD टूल से होगी कितने परसेंट होता है। अगर ये छेड़ पहले बताए कोई भी मैकेनिक भाई ये वीडियो देख रहा हो तो आपने ये स्क्रू है ये बिल्कुल छेड़ना नहीं है, खाली हमने इससे सेट करना है आइडल कंट्रोल वाल, इसी सेटिंग में प्रॉपर अभी बताऊंगा वीडियो में। तो गाइस फटाफट मैं ये जो अपना आइडल कंट्रोल वाल है इसको खोल लेता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है एक बार रेस दिखा दूँ उसकी, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और RPM दिखा देता हूँ उसके। रेस क्यों अटक रही है, क्योंकि इस स्क्रू ने ये छेड़ा हुआ है, क्योंकि जो अपनी अंदर की बटरफ्लाई है वो अटक रही है, मतलब वो फंस रही है थ्रोटल बॉडी में, ये अटक रहा है थोड़ा, ये तो प्रॉब्लम वो है। दूसरा है इसके RPM भी हाई हैं, कभी ज़्यादा हाई होते हैं कभी कम हो जाते हैं। इसका क्या होता है हमारा जो है ना ये आइडल कंट्रोल का जो पिस्टन है ये ना ज़्यादा टाइट हो जाता है, इसमें कंपनी ने क्या दे रखा है, जैसे हम चाबी ऑन करेंगे दिखा देता हूँ ऑन करके, जैसे चाबी ऑन करते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और कहा क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये स्लाइड को ना अंदर छोड़ देगा, मतलब अंदर रह जाएगा, और जो एयर है एयर फिल्टर की साइड से आगे बटरफ्लाई के आगे छोड़ दिया, जिससे हमारे RPM कंट्रोल रहते हैं ठीक है। आइए देखो ये पीछे आ गई, देखो जिस टाइम हम स्विच ऑफ करते हैं तो ये काफ़ी बार निकलती है, तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे वो सेटिंग भी बताऊंगा ठीक है। इसकी सेटिंग दिखाएंगे करेंगे, तो उससे पहले इसको सेट करने से पहले मैं आपको ना एक बार इसका जो थ्रोटल बॉडी का ये स्क्रू है ये सेट करना है, तो मैं इसको वैसे लगा लेता हूँ हल्का, मैंने स्विच ऑन कर लिया है। आपके पास ये OBD टूल होना चाहिए ठीक है, तो उसके लिए इसकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए थ्रोटल बॉडी की, जो क्योंकि यहाँ पे TPS सेंसर लगा हुआ है, तो मैं नीचे ले आता हूँ, डाटा स्ट्रीम लाइव डाटा में जाएंगे और लाइव डाटा से सेट करेंगे इसकी। कंपनी जो करके देती है गाइज वो 14.9 TPS सेंसर की पोजीशन होती है वहाँ करनी है, इसकी कितनी कर रखी है मैकेनिक ने, मतलब गलती से लगा लिया RPM कर रखे हैं हमारा गाइज, ये जो एब्सोल्यूट थ्रोटल पोजीशन है इसमें 13.3 है क्योंकि छेड़ा हुआ है, इसको हमने एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे इसको, पेज 8 नंबर गोटी है उससे खोल लेंगे, ये खोल दिया नेट, अब हमने बोल्ट को टाइट करना है, इसको करना है 14.9। अब गाइज जब ये थ्रोटल पोजीशन इसको करना है, देखो ये बढ़ेगा, देखो 14.1 आ गया, बढ़ गया ये 14.5, थोड़ा टाइट हो गया
ये 14 पॉइंट नो करना है सब। तो गाइज अपने जो थोटो पोजीशन का कितने परसेंट रखना है, 14 पॉइंट नो जो मैंने कर दिया है। ये सेटिंग आपने नहीं छेड़नी है, अगर सेटिंग ख़राब होगी तो आपसे लाइव जो बड़ी टूल्स है इसी से सेट करना है, जैसे मैंने किया है। मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, खाली वहाँ पे लाइव डाटा में जाकर 14 पॉइंट नो कर दिया। अब करेंगे इसकी सेटिंग। अब OBD टूल का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, इसको साइड में रख देता हूँ। चल गया, ये सही दिख रहा है। अब गाइस इसको ऐसे स्क्रू खोलना है, एड एयर कंट्रोल वाल का। जो एक इसको है पहले तो उसको ऐसे लगा के पहले स्टार्ट कर देते हैं कितने RPM ज़्यादा है। हमने 1700-1800 RPM रखने हैं इसके, फिर RPM कहाँ चेक करेंगे, हम OBD में ही चेक करेंगे। पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर RPM कम रख दिए तो हमारी गाड़ी बंद होने लग जाएगी। तो RPM देखता हूँ, सोलह सौ। अब ये ठीक है, ये RPM आ रहे हैं गाइस 1500, 1600, 1600 RPM आ रहे हैं। ऐसा अब मैं बढ़ा कर दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे बढ़ते हैं कंपनी से, मतलब क्या पोजीशन होती है। अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ, 4-5 चूड़ी। देखो ये चूड़ी ये हो जाता है 3-4 महीने में। अच्छा ये आपको सेटिंग ना हर दूसरे तीसरे महीने या 4-5 महीने में करानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, ये पिस्टन अंदर ऑटोमेटिक ये बाहर आ जाता है और RPM बढ़ जाते हैं। अब दिखाते हैं, रुक रहे हैं, ये देखो अब ये RPM बढ़े हुए हैं इसके। देखो इंजन RPM कितने हैं, 2200-2300 ये RPM हो जाते हैं। तो इस RPM को कंट्रोल कैसे करना है, सीधा फंडा है इसका, वो स्क्रू खोलना है और इसको धीरे धीरे क्या करना है आपने, इसको छेड़ना नहीं, इसको ना 4-5 चूड़ी एंटी क्लॉकवाइज खोल देंगे इसको और फिर लगा कर चेक करेंगे। जब जहाँ RPM सेट हो जाए आपका 1600-1700 वहीं इसको छोड़ना हमने। तो TP सेंसर 14.5 आ गया, हम इसमें थोड़ा हल्का बढ़ाएंगे छोटो पोजिशन जो आई है, ये 14 पॉइंट नो कर दिया मैंने, 1600-1650, 1600-1600। तो गाइस RPM दिख रहे हैं आपको 1500-1600 के आसपास है, 1700। इतने RPM हमने सेट करने हैं। अगर इससे आपने और बढ़ाने हैं इसको, तो बढ़ाने का तरीका क्या है, स्लाइड से ही मतलब आपने अभी इसमें एक दो बार बंद करके देखेंगे, हम बंद करके देखेंगे, इस पर दबाए रखना इसको जिस टाइम बंद करेगा, क्योंकि गाड़ी बंद भी नहीं होनी चाहिए। तो गाइस देखा आपने कैसे सेट करनी है, आपने जो स्क्रू है, कोई मैकेनिक भाई है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ वीडियो को, मैं स्टार्टिंग में बोला था ये स्क्रू नहीं छेड़ना, आइडल जो स्क्रू होता है थोटो पोजीशन को जिसको सेट करते हैं, अगर ये छोड़ दिया तो किससे सेट होगा, देखा ना अपने लाइव डाटा में जाके अपना OBD से सेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा जो आइडल कंट्रोल वाल है इससे सेटिंग करनी है आपने, एंटी क्लॉक वाइज करते रहो या क्लॉक वाइज करते रहो इससे सेटिंग, जहाँ भी आपके RPM 1600-1700 के आसपास रहते हैं वहीं छोड़ दो, गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी गारंटेड। लेकिन ये नहीं है, ये RPM आपके स्टेबल रहेंगे, ये 5-6 महीने चलेगी, उसके बाद फिर पूरी दिक्कत आएगी, क्योंकि कंपनी से ही मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। ये जो एडर एयर कंट्रोल है ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है, मैं वहाँ एयर ज़्यादा छोड़ देता आगे अपना बटरफ्लाई के आगे, जो एडर एयर कंट्रोल वाला है ये फिर छेड़ना पड़ेगा और इसको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हर चौथी पाँचवीं सर्विस है, तीसरी चौथी सर्विस पर मैं करता रहता हूँ, मेरे पास कस्टमर आते हैं हम ऐसे सेट करते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई छेड़ता है तो आपके पास वीडियो टूल होना चाहिए। तो गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ अगर आप B60 ट्रेनिंग करना चाहते हो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ गाड़ी, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा जितनी भी गाड़ी है वो B6 आने वाली है, अगर आपको कुछ नॉलेज होगी तो कुछ पैसे कमा पाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ हर महीने 6 दिन का 7 दिन का भी कम ट्रेनिंग सेशन होता है, मैं पीछे एक सेशन कर चुका हूँ, सेकेंड सेशन मेरा 26 अक्टूबर से है, उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख लेना कैसे इसमें आना है, कितना खर्चा आएगा, प्रॉपर डिटेल दी हुई मैंने वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।